हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोज वर्ल्ड में। तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज के बारे में। ये एक साइलेंट बोन डिजीज होता है। ये बीमारी होने पर हड्डियों में खोखलापन आ जाता है, यानी हड्डियाँ अंदर से छिद्रित हो जाती हैं। बीमारी के होने के कारण आपके शरीर की कोई भी हड्डी टूटने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसमें ज़्यादा हिप्स यानी कूल्हे की हड्डी फ्रैक्चर होना, कलाई की हड्डी फ्रैक्चर होना और रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर होने की संभावना ज़्यादा होती है। दोस्तों बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में। तो इसमें अचानक किसी हड्डी का टूट जाना, एक छोटी सी गिरावट या मामूली दुर्घटना के दौरान हड्डी का फ्रैक्चर होना, आगे की ओर झुकने में परेशानी होना और पीठ के पिछले हिस्से में दर्द होना, ये सभी लक्षण इस बीमारी के हो सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इस बीमारी के कारण क्या हो सकते हैं। तो इसमें शरीर में विटामिन डी की कमी होने पर यानी कैल्शियम की कमी होने पर ये बीमारी हो सकती है। महिलाओं में मीनोपोज स्टेज यानी 45 से 50 साल की उम्र के बाद में महावारी के बंद होने पर, शरीर में हार्मोन की कमी होने पर यह बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। पुरुषों में बढ़ती उम्र के साथ में शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर यह बीमारी देखने को मिलती है। दोस्तों ये बीमारी महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा देखने को मिलती है। युवाओं में ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होने के कारण है युवाओं द्वारा शराब का ज़्यादा सेवन करना, धूम्रपान का ज़्यादा सेवन करना और कभी कभी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के कारण ये बीमारी हो सकती है। दोस्तों डॉक्टर द्वारा ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी का पता लगाने के लिए एक सिंपल टेस्ट BMD टेस्ट यानी बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट करवाया जाता है। इस टेस्ट में कैल्शियम और अदर मिनरल्स का पता लगता है, जिसे डॉक्टर ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी का डायग्नोसिस करते हैं। दोस्तों बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी की रोकथाम के लिए डॉक्टर द्वारा क्या प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो इसमें डॉक्टर द्वारा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट यानी दूध और दूध से बनी सामग्री का सेवन करने की सलाह दी जाती है, जिससे शरीर में कैल्शियम की पूर्ति हो। इसके अलावा डॉक्टर द्वारा पेशेंट को उसके शरीर में कैल्शियम इम्प्रूव करने वाले टैबलेट खाने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।